हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ द स्टेट पार्क काउंसिल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। सो बेसिकली जो है, कुछ आप लोगों को रीजंस पता होने चाहिए कि किस बेसिस पर जो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई की है स्टेट पार्क काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बारे में जो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल के अंदर कराते हैं। तो बिकॉज़ आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी फ़िलहाल ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन जिन्होंने अपनी कंप्लीट कर ली है एंड वो जो है अभी AIIB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे एंड AIIB एग्ज़ाम जो है वो लोग देंगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, जैसे मैं बहुत सारे पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना होता है कि आप लोग अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए, देन आप लोग जो है एलिजिबल हो जाते हैं AIIB एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो कि मैंडेटरी है स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना। कुछ ऐसी कॉमन बेसिकली मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी है जिससे कि आप लोगों का जो रिजेक्शन यानी कि जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई की है वो रिजेक्ट ना हो। ठीक है, बेसिकली इनकम्प्लीट फॉर्म्स, जो भी पर्टिकुलर आप लोगों को एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले डिटेल्स चेक करनी है कि क्या क्या इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, और इररिलेवेंट चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मिसिंग डॉक्यूमेंट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस अगर आप लोग वहाँ पर पुट करते हो तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। ठीक है, एंड फेलियर टू मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिस्पेंसरीज इन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, आप लोगों को जो है ये भी पता होना चाहिए कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर AIIB एग्ज़ाम और नॉट। ठीक है, एनरोलमेंट के लिए आप लोग एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आप लोग जो है इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो, वेदर आप लोगों ने जो है अपनी BA LLB की डिग्री को कम्प्लीट किया है अच्छे तरीके से या नहीं किया है, आप लोगों ने जो है एज़ पर जो BCI आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी थी वो BCI रिकॉग्नाइज थी या नहीं थी। जितनी भी सारी ये जो रीजंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, एनरोलमेंट कराने जाओगे, उस टाइम जो है आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोग जो है डिसक्वालीफाई ना हो। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को करते हो तो डिसक्वालीफाई वहाँ पर कर दिए जाओगे। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर पूछी जा रही है तो बिल्कुल जो जेन्युइन है, जो आप लोगों की एक तरीके से जो उनमें आपकी जो बाकी और डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक आप लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है उनमें या फिर आधार कार्ड वगैरह में जो भी आप लोगों के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर जो मेंशन है वही आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। और आप लोगों का जो नेम है वो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को वहाँ पर फिल करना है। अपना जो अगर फ़ोन नंबर उन्होंने मांगा है तो बिल्कुल वैलिड फ़ोन नंबर वहाँ पर देना होगा। ईमेल एड्रेस अगर मांगा है तो ईमेल एड्रेस बिल्कुल जेन्युइन एंड करेक्ट देना होगा, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एंड सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें BCI के द्वारा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को लॉस ना हो। तो आप लोगों को जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को नहीं डालनी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी वहां पर नहीं डालनी है। ठीक है, आप लोगों को जो है सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल के अंदर कराना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए हैं, ये रेलिवेंट भी है नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को इस चीज़ में कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो गाइज हमारा टेलीग्राम पर एक लॉन्टिस के नाम से चैनल है, वहाँ पर आप लोग अपने इश्यूज़ और क्वेरीज को शेयर कर सकते हो। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी।